नमस्ते साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम सब ने अपने बचपन में होशियार कौवे की कहानी तो सुनी ही होगी। इसी कहानी को आज हम फिर से सुनते हैं। क्या आप सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि असल जिंदगी में कौवा मटके की तली से लगा हुआ पानी कंकड़ की मदद से ऊपर लाकर पी पाएगा? तो चलिए कहानी सुनते हैं और पूछे गए सवाल को गणित की मदद से सुलझाते हैं। गर्मियों के दिन थे, एक प्यासा कौवा प्यास से बेहाल पानी की तलाश में यहाँ वहाँ उड़ रहा था। बहुत समय बाद उसकी नज़र एक घर के आंगन में रखे पानी के मटके पर पड़ी। वाह, पानी मिल गया, वह बहुत खुश हुआ और मटके के ऊपर जा बैठा और मटके में अपनी चोंच डुबो दी, पर पानी चोंच को न लगा क्योंकि मटके में पानी बिल्कुल कम था। बेचारा कौवा सोचने लगा कि भाई अब क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र मटके के पास पड़े कंकरों पर गई। उसने आइडिया लगाया और अपनी चोंच से कंकर उठाकर मटके में डालता गया। अंत में मटके का पानी ऊपर आ गया। होशियार कौवा अपनी प्यास बुझाकर खुशी से उड़ गया। अब हम इसी कहानी को गणित का विचार करते हुए प्रयोग के साथ समझने की कोशिश करते हैं। प्रयोग करने के लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक का पारदर्शी जार, ढेर सारे कंकर और रंगीन पानी। प्रयोग क्रमांक एक, पहले जार में 25% पानी भर ले और उसमें धीरे धीरे कंकर डालते जाए। क्या पानी ऊपर आया? अरे नहीं, तो ऐसी हालत में हमारा कौवा तो प्यासा ही रह जाएगा। प्रयोग क्रमांक दो, अब हम पानी की मात्रा बढ़ाते हैं और यहाँ 50% पानी जार में भर लेते हैं, उसमें धीरे धीरे कंकर डालते हैं। क्या पानी मटके के मुंह तक आया? अरे नहीं, अब क्या करें, क्यों ना पानी की मात्रा बढ़ाई जाए। प्रयोग क्रमांक तीन, अभी हम पानी की मात्रा को 50% से बढ़ाकर 60% करते हैं। अभी 60% से भरे पानी के इस जार में फिर से कंकर डालते हैं। अरे वाह, पानी तो ऊपर आ गया, हमारा कौवा अब प्यासा नहीं रहेगा क्योंकि मटके के मुंह तक पानी आ गया है। तो आप क्या समझे, अगर कौवे को प्यास बुझानी है तो मटके में पानी की मात्रा 60% से अधिक होनी चाहिए। मटके की कहानी सुनने में ठीक है, परंतु असल जिंदगी में गणित का विचार करें तो इस प्रयोग के बाद हमें समझ आता है कि मटके की तली से लगा हुआ पानी कंकर की मदद से ऊपर लाना कौवे के लिए या हमारे लिए नामुमकिन है। साथियों, आप भी प्रयोग करें और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना न भूलें। धन्यवाद।